लड़ाई में मुझे 2 गोली लगा, जो मेरा ये अभी आग दूसरा चेंज है और स्पाइन में 1 गोली है। मुझे पद्मश्री मिला इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। Hello and welcome. My name is Shailesh Kumar and you're watching National Defense. A quitter never wins and a winner never quits. A soldier always fights. Despite being war wounded and still having an enemy bullet in his spine, that is what proven by India's first Paralympic gold medalist Murlikant Rajaram Petkar. He was denied Arjuna Award multiple times just because he did not know how to write an application. But 44 years, Mr. Petkar got the government recognition when on 20th March, President of India conferred him the much coveted Padam Shri Award. मुझे पद्म श्री मिला इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये पद्म श्री जो अभी के जो गवर्नमेंट है उन्होंने मुझे प्रेजेंट दिया, इसके लिए मैं गवर्नमेंट और मीडिया का बहुत आभारी। और ये मेरा जो मेडल है आर्मी के तरफ, मैं जिस ईएमई कोर का हूँ इलेक्ट्रिक मैकेनिक, उसमें मेरा पद्मश्री मिल्खा सिंह के बाद मुझे ये कोर को मिला है और कोर वाले मुझे ये भी बहुत हेल्प करते हैं आर्मी भी। मिस्टर पेटकर एग्जिबिटेड एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैनशिप इन रेसलिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स एज सून एज ही वॉज एनरोल्ड इन द बॉयज बटालियन ऑफ द इंडियन आर्मी इन पुणे। इन 1964 ही वॉज चूजन टू रिप्रेजेंट इंडियन आर्मी इन बॉक्सिंग एट द इंटरनेशनल सर्विस स्पोर्ट्स मीट टू बी हेल्ड इन टोक्यो इन जापान। अच्छा, मैं तो ऐसा रहने वाला सांगली जिला इस्लामपुर का हूँ। मुझे जो मैं गांव में कुश्ती खेल रहा था तो कुश्ती के दौरान में मुझे इतना एक देहात में खेड़े गांव में था, तो उधर से मुझे मैं पुणे आ गया और मिलिट्री में बॉयज़ बटालियन में ज्वाइंट हो गया। बॉयज़ बटालियन में ज्वाइंट होने के बाद मैं पहले बहुत अच्छा हॉकी खेलता था, हॉकी खेलते थे तो हॉकी में क्या वो मैं मराठी है लेकिन उधर का कर्नाटक, तो उन लोग मुझे आगे सलेक्शन नहीं थे तो मैं नाराज़ होकर एक जगह बैठा था। तो उस टाइम मुझे अचानक मेरा कोच आ गया, अरे क्या रोते बैठे, बॉक्सिंग में बॉक्सिंग खेलो, ये इसमें दांत तोड़ के दौड़ रहे थे दांत तोड़ के, ये इंडिविजुअल में गेम में ये फ़ायदा होता है और सब टीम में आप अच्छा खेलने से भी नाम उनका होता है। उस टाइम से मैं हॉकी खेलना छोड़ दिया और बॉक्सिंग में मैं सर्विसेज टीम में अच्छा कर रिकॉर्ड बना दिया जापान में। उसके बाद बॉक्सिंग का ये सब होने के बाद तो मैं उधर सिकंदराबाद मेरे यूनिट में आया। ऑन रिटर्निंग ही वॉज ट्रांसफर टू सिकंदराबाद वेर ही स्टार्टेड ट्रेनिंग टू एन आर्मरर अलॉन्ग विद प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द नेशनल्स। मिस्टर पेटकर वॉलंटियर टू गो टू कश्मीर व्हेन ऑल ऑफ ए सडन इन 1965 इंडो पाक वॉर ब्रोक आउट। इन द वॉर पेटकर सफर्ड मल्टीपल गनशॉट वूंड्स and was run over by a car. He lost his memory and a bullet is still lodged in his spine. However, he showed extraordinary courage and in next 2 years he made significant recovery. हैदराबाद में ये बॉक्सिंग खेल गया, तो शिव ने पूछा अभी तुमको क्या देखने का है, तो मुझे कश्मीर देखने का है, तो वो शिव साहब ने मुझे कश्मीर देखने के लिए भेजा। उधर जाकर एक 15-20 दिन हो गया था, उसी टाइम अचानक लड़ाई चालू हो गया, वो सिटी बच गया, एक्चुअली प्लेन आ गया लेकिन लोगों को मालूम पड़ गया चाय का टाइम है, चलो चाय पीने के लिए। उसके बाद मैं तो चाय नहीं पीता था, स्पोर्ट्समैन था तो मैं उधर बच गया, बाकी उसी टाइम से लड़ाई चालू हो गया। लड़ाई में मुझे 2 गोली लगा, जो मेरा ये अभी आग दूसरा चेंज है और स्पाइन में 1 गोली है। इसके बाद जो वो करके जो दिल्ली हॉस्पिटल में मिलिट्री दिल्ली हॉस्पिटल में था पैरामेडिकल, उन्होंने क्या किया मुझे जो तुम्हारा गांव किधर नज़दीक है पुणे नहीं तो बॉम्बे में पोस्टिंग चाहिए, तो मुझे बॉम्बे INS अश्विनी में ट्रांसफ़र किया और उधर INS अश्विनी में मुझे डॉक्टर लोगों ने ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे थे, तो उसमें पूछा कि क्या आपको ये करना पड़ेगा, स्विमिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा टैंक और नर्वस सिस्टम काम करेगा। इन 1972 समर ओलंपिक्स इन हाइडलबर्ग इन जर्मनी मिस्टर पेटकर वन द गोल्ड मेडल इन 50 मीटर्स फ्री स्टाइल स्विमिंग विद अ वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइमिंग ऑफ 37.33 सेकेंड्स। तो इसके लिए मैं स्विमिंग करने के लिए प्रैक्टिस, लेकिन जाने आने का प्रॉब्लम था, लेकिन लक्की मेरा ऐसा कि जो INS स्विमिंग पूल का
अश्विनी हॉस्पिटल से नज़दीक था एक आधा किलोमीटर, तो डेली व्हीलचेयर में मैं तक था। तो ऑफिसर तो उस टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए कोई इन, तो मैंने मुझे एक बर्गे बोलकर वो सर्विसेज टीम उधर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बर्गे बोला चलो मैं तुमको व्हीलचेयर डेली धक्का मार के लेके जाएगा और लेकर आएगा। तो बर्गे ने मुझे हमेशा वो प्रैक्टिस करने के लिए स्विमिंग पूल, ऐसे में दो तीन महीने में इतना अच्छा प्रैक्टिस हुआ। अच्छा आदमी के सब सर्विसेज टीम थी उनके साथ अच्छा सब प्रैक्टिस कर मेरा जो रिकॉर्ड था उनके बराबर अच्छा हो गया। उसी टाइम विजय मर्चेंट और उन लोगों ने सोचा कि इंडिया का एक टीम बाहर भेजने गए, तो सब ने पूछा तो आपका रिकॉर्ड कैसे है। देखे तो जो मेरा स्विमिंग का रिकॉर्ड उधर का जो इंटरनेशनल के बराबर था, तो विजय मर्चेंट ने बोला अभी आप अच्छा खेल कर आपको बाकी शॉर्ट पुट वगैरह ये जो आप करते हैं उसमें आपको टीम भर। तो मैंने मुझे पहले टाइम INS अश्विनी और EME कोर ने डोनेशन देकर मेरा लंदन आया, जो पहले लंदन स्पोर्ट्स उधर की किया, उधर मैं इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लिया। ऐसे में चार पांच से इंच करे तो 72 में मैंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड करके भारत के लिए मैंने ये पहला गोल्ड मेडल लिया। और अपना EME कोर और आर्मी का एक जवान होने के बाद ये आर्मी नेवी एयरफोर्स सब ने मुझे हेल्प कर उधर खेलने के लिए भेजा था, तो मैंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कर गोल्ड मिला। तो उसी टाइम के जनरल उन्होंने भी मुझे EME के श्याम सुंदरन राव करके उन्होंने भी मुझे सत्कार करके बहुत अच्छा किया। फॉर 44 ईयर्स दिस ग्रेट सोल्जर कैप्ट फाइटिंग फॉर द रिकॉग्निशन ही डिजर्व फॉर द लॉरेल्स ही ब्रॉट टू इंडिया। Mr. Petkar is thankful to Modi government which recognized his contribution to the country. ये 72 के बाद मैं बाकी सब 82 तक इंटरनेशनल गेम कर रहा था। 82 तक ये सब मेरे जो मेडल आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल के सब 11 मेडल है मेरे पास। फिर भी मुझे उस टाइम पद्मश्री अपना ये अर्जुन अवार्ड के लिए अपने, लेकिन वो गवर्नमेंट क्या बोलता था कि तुम एप्लीकेशन वगैरह दो। मैं बोला मैं एप्लीकेशन नहीं दूँगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं ना। तो बोला कि दिल में क्या कि मैंने अच्छा काम किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मुझे अर्जुन अवार्ड देना मांगते। लेकिन उस टाइम मुझे कोई बात अभी तक कोई ये नहीं किया। लेकिन अभी जो कि जो सरकार आई मोदी साहब जो राजनाथ सिंह साहब और जो डेवलप इंडिया वगैरह ऐसा गोल्ड स्पोर्ट्स इन लोगों ने जो अच्छा कर ये किया इसके लिए, और ये टाइम में बिना पूछे मुझे मतलब रिकमेंडेशन वगैरह 36,000 लोगों का एप्लीकेशन आया था पद्मश्री से, उसमें मेरा 5वां नंबर पर मेरे को सिलेक्शन मिला। सबसे जो पॉइंट होता है वो मिलकर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म 20 तारीख को मंगलवार को राष्ट्रपति भवन ने मुझे पद्मश्री मिला। योर स्टोरी इज इंडीड वेरी इंस्पायरिंग मिस्टर पेटकर। डिस्पाइट बीइंग वॉर वाउंडेड एंड डिसेबल्ड यू कैप्ट फाइटिंग फॉर इंडिया। वी ऑल सल्यूट यू। थैंक यू। जय हिंद।